अगर आप कर रहे हैं NISC, DLED, CTET, UPTET या किसी TET एग्जाम की तैयारी, तो अब आप मुझे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं और जितने भी हमारे शॉर्ट नोट्स कंसेप्चुअल डिस्कशन है उसका आप बेहतरीन फायदा उठा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप अपने ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लें ताकि बेहतरीन नोटिफिकेशन और परफॉर्मेंस देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो भी शिक्षक NISC DLED कर रहे हैं उनके PCP क्लासेस के संबंध में, कि जब आप PCP क्लासेस करने जाते हैं तो कई शिक्षकों का ये प्रश्न था कि सर PCP क्लासेस के लिए विद्यालय से छुट्टी नहीं मिलती है या वहाँ पर अवकाश लगाना पड़ता है या सैलरी कट जाती है, अलग अलग प्रकार की चीजें। तो मैंने काफी खंगाली, कुछ नोटिस भी हमने निकाली है और कुछ यहां पर न्यूज के माध्यम से भी हम आपको यहां पर सारी बातें बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर जो एक नोटिस नई निकल के आई है वहां पर, वो नोटिस मैं आपको पहले बता देता हूं कि यहां पर सरकारी स्कूल के शिक्षकों को प्रदेश सरकार ने जो है बड़ी राहत दी है। अब इन शिक्षकों को पर्सनल कॉन्टैक्ट प्रोग्राम यानी कि PCP और परीक्षाओं के लिए सरकारी छुट्टियां मिल सकेंगी। तो यहां पर मुख्यमंत्री ने ये आदेश जारी कर दी है। DLED कर रहे शिक्षकों को PCP और परीक्षा देने के लिए अवकाश देने का शिक्षा विभाग ने कोई प्रावधान नहीं किया था। इस कारण जो है स्कूल मुखिया इन शिक्षकों की अनुपस्थिति दर्शाकर वेतन काट लेते थे। इस प्रक्रिया के चलते शिक्षकों की सर्विस ब्रेक होने के साथ साथ वेतन भी कट रहा था। इस मामले को लेकर जो है शिक्षक संघ ने बीते दिनों मुख्यमंत्री से जो है मुलाकात की थी और उसके बाद यहां पर यह आश्वासन दिया गया कि DLED कर रहे शिक्षक को अवकाश देने की व्यवस्था की जाए। शिक्षा विभाग ने मंगलवार को अवकाश देने के आदेश जारी कर दिए हैं। तो ये खबर जो है हिमाचल प्रदेश से है। उसके बाद एक जो है ऑफिशियल नोटिस मेरे पास यहाँ पर जो है मैंने ऊपर की है, जो कि मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। ये ऑफिशियल नोटिस है बिहार से। वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि आखिर वो नोटिस में क्या कहा गया। ये बिल्कुल इंटरनल नोटिस है, वहाँ पर क्या कहा गया है आप देख लीजिए। वहाँ पर कहा गया है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान केंद्र पटना द्वारा आयोजित DLED प्रशिक्षण कार्यक्रम के विभिन्न गतिविधियों में प्रतिनियुक्त मानव संसाधन एवं सेवारत शिक्षक प्रशिक्षुओं के संबंध में, ध्यान से देखिएगा, उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि DLED प्रशिक्षण के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियां आयोजित किया जा रहा है, यथा PCP, TMA, SBA, प्रैक्टिस टीचिंग, सत्रीय परीक्षा एवं मूल्यांकन आदि गतिविधियों का सफलतापूर्वक संपादन के लिए बड़े स्तर पर मानव संसाधन की आवश्यकता होती है। ज्ञातव्य है कि देश स्तर पर RTE एक्ट 2009 के तहत 31 मार्च 2019 तक सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाना है। प्रायः ऐसी सूचना विभिन्न संसाधन सेवियों एवं अन्य मानव संसाधन से प्राप्त होती है कि सौसमय उनके प्रधानाध्यापक या प्राचार्य द्वारा संबंधित कार्य हेतु विरमित नहीं किया जाता है एवं उनके उपस्थिति पंजी पर CL अंकित कर दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि विभिन्न गतिविधियों हेतु समयावधि में विभिन्न जो है विभाग द्वारा विरमन हेतु निर्देश पत्र भी निर्गत किया गया है। आपके द्वारा सौसमय विरमन नहीं किए जाने के कारण कार्य को सफलतापूर्वक संचालन में बाधा हो रही है। उक्त कार्यक्रम की सफलता हेतु आपका सहयोग अपेक्षित है। ये सारे जो है डिस्ट्रिक्ट में बांटी गई है, अतः आप सबों से निर्देशित किया जाता है आप सबों को कि DLED प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिनियुक्त मानव संसाधन या सेवारत प्रशिक्षु शिक्षकों को सौसमय विरमित करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा उपयुक्त का अनुपालन ना होने की स्थिति में प्रशिक्षण कार्य में उत्पन्न बाधा के लिए आप स्वयं जवाबदेह होंगे। केंद्र समन्वयक द्वारा अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर विद्यालय द्वारा भुगतान किया जाएगा। साथ ही विषय अंकित कार्यक्रम में भाग लेने एवं परीक्षा में भाग लेने की अवधि को कार्य अवधि माना जाएगा। तो ये नहीं है क्या कि कोई यहाँ पर छुट्टी लगा देंगे। तो जिस भी विद्यालय से आप आते हैं ये चीज़ें यहाँ पर जो है उनको फॉलो करनी है, नहीं तो उनकी जवाबदेही प्रिंसिपल की होगी जो भी यहाँ पर नहीं छुट्टी दे रहे हैं या किसी भी प्रकार की यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, ये नोटिस मैंने ऊपर की और आप लोगों के लिए यहाँ पर शेयर करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि अब आप लोगों का अगर यहाँ पर कहीं पर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लोग ज़रूर उनको कहिए कि सर ये ऑफिशियल नोटिस है और आपको यहाँ पर ऑफिशियल छुट्टी चाहिए, आपका ना तो सैलरी कटना चाहिए ना तो आपका कोई अवकाश यहाँ पर कटना चाहिए। तो दोस्तों ये एक कन्फर्म नोटिस है, मैंने पहले भी आपको बताई थी और ये चीज़ जो है आपके साथ कोई गलत ना हो इसके लिए जो है मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूं। तो इसी तरीके से और भी आगे नए नए अपडेट के साथ हम आपके बीच बने रहेंगे। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो योर ऑनलाइन पार्टनर को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में, दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।